ताज में देखते हैं 100 शहर की 100 खबरें। नालंदा में बदमाशों ने तेजाब डालकर युवक को जिंदा जला दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर हमला किया। मधुबनी में 3.25 लाख रुपए की लूट का खुलासा। लौकाहा थाना पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार। एक और अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बघा में पंखे से लटकता हुआ मिला विवाहिता का शव। परिजनों का आरोप दहेज को लेकर मृतका के साथ करते थे मारपीट। घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग फरार हुए। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जमुई में चने की फसल उखाड़ने से मना करना। बुजुर्ग को पड़ा भारी। शराब के नशे में धुत युवक ने पीट पीट कर बुजुर्ग की हत्या की। लछुआड़ थाना क्षेत्र के नवाबगंज गांव की घटना। बेगूसराय में अपराधी ने हथियार के बल पर एक युवक का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी जिसके बाद युवक की हालत गंभीर बनी हुई। 6 से ज्यादा हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर युवक का अपहरण किया। पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए घायल स्थिति में युवक को ढूंढ निकाला। बांका में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। राज किशोर सिंह के रूप में हुई मृतक की पहचान। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अवैध तरीके से बालू उठाव को लेकर दो पक्षों में मारपीट और गोलीबारी। एक गुट ने राज किशोर सिंह को गोली मारी। 6 लोगों पर FIR दर्ज। धनबाद में आपसी विवाद में अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली। घायलों में से एक की हालत गंभीर। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। लातेहार में शराब के नशे में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि गिरने से महिला का सिर फट गया और उसके सिर से काफी खून निकल गया। पटना सिटी में होली को लेकर शराब के खिलाफ पुलिस की विशेष छापेमारी। अंग्रेजी शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। लखीसराय में बदमाशों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सूर्यगढ़ा के अलीनगर पोखरामा में बना रहे थे वारदात की योजना। मसौड़ी में मंदिर से भगवान की अष्टधातु की मूर्ति ले उड़े चोर। मूर्ति की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। 200 साल पुरानी थी मूर्ति। पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर में 2 पक्षों में भी जमकर मारपीट। मारपीट की घटना के बाद जमकर बवाल। विद्यापति नगर के मऊ बाजार का मामला। गिरिडीह में गाड़ी का हॉर्न बजाने पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। कई घायल। दोनों पक्षों की ओर से कई वाहनों में भी तोड़फोड़। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कर। देवघर के स्लम बस्ती में मामूली विवाद में हंगामे के बाद मारपीट। शराब के नशे में 2 पक्षों के बीच हुई थी कहासुनी। बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस ने लोगों को कराया शांत। बेगूसराय में दिखा कतांडव। आग की चपेट में आने से 2 दुकानें जलकर हुई राख। लाखों के नुकसान का लगाया जा रहा है अनुमान। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बेगूसराय में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर गाड़ी गड्ढे में पलटी। एक युवक हुआ जख्मी। सिमडेगा जिले के अलग अलग इलाके में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत। कोलेबिरा थाना क्षेत्र में 2 लोगों की मौत जबकि बानो प्रखंड में सड़क हादसे में बाइक सवार की जान। भागलपुर में सड़क हादसे में मौत के बाद जमकर हुआ हंगामा। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम को हटा। अरवल में 2 अलग अलग जगहों पर आग का तांडव। टेंट हाउस में आग लगने से लाखों का नुकसान। दमकल की टीम और ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया। यूपी के बागपत में गुब्बारा मारने से पानी में भरा टेम्पो हाईवे पर पलटा। दिल्ली सहारनपुर हाईवे की घटना। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार से फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल हुआ। तमंचा लहराकर फायरिंग करते दिख रहा है युवक। यूपी के सहारनपुर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट में 1 शख्स की मौत। 1 महिला समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यूपी के सोनभद्र में एक कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हुई। यूपी के महाराजगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। मुंगेर में शराब को लेकर पुलिस ने की छापेमारी। 67 लीटर शराब के साथ 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में शराबियों ने नशे की हालत में एक वृद्ध महिला की जमकर पिटाई की जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। शराबबंदी कानून का असर इस बार नालंदा के बिहार शरीफ में होली के दौरान देखने को मिला जहां लड़कियां भी शहर की सड़कों पर अबीर गुलाल लगाकर होली का लुत्फ उठाते देखी। बोचहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी ने बेबी कुमारी पर लगाया दांव। VIP बता रही थी अपनी सीट। बोचहां सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के रामसागर सिंह ने कहा मुकेश सहनी आजकल लालू जी के भक्त बने हुए हैं। उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। बोचहां सीट पर उपचुनाव को लेकर RJD के मृत्युंजय तिवारी ने साधा निशाना। कहा VIP के साथ धोखा हुआ है। मुकेश सहनी को अब गलती का एहसास हो रहा होगा। कांग्रेस के राजेश राठौड़ ने कहा कि मुकेश सहनी का समय पूरा हो रहा है। बीजेपी ने VIP को उसकी हैसियत बताई। इस मामले पर पूर्व CM जीतनराम मांझी का भी बयान सामने आया। कहा यह बीजेपी और VIP का आपसी मामला है।
एमएलसी प्रत्याशी सच्चिदानंद राय का बयान, बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने मेरा टिकट काटा है, उसका भूल सुधार उन्हें ही करना होगा, मेरे डीएनए में एनडीए के संस्कार। जम्मू कश्मीर में 83वें सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर समारोह, गृहमंत्री अमित शाह ने ली परेड की सलामी, अमरनाथ यात्रा और कश्मीर के सुरक्षा पर करेंगे समीक्षा बैठक। गृहमंत्री अमित शाह ने बढ़ाया जवानों का हौसला, कहा सुरक्षा बलों ने पाया आतंकवाद पर काबू। जम्मू कश्मीर में बोले गृहमंत्री अमित शाह, कानून व्यवस्था की स्थिति में हुआ सुधार। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पारंपरिक उत्सव होला मोहल्ला का आयोजन, उत्सव में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी, मुगल रोड के संचालन के लिए पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से बर्फ को हटाया गया। 2 दिवसीय दौरे पर आज भारत आएंगे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, पीएम मोदी से साथ करेंगे बैठक, द्विपक्षीय सहयोग और संबंध मजबूती पर करेंगे चर्चा। देश के कई हिस्सों में आज भी मनाई जा रही है होली, बिहार में होली को लेकर उत्सव का माहौल, राजनेताओं के साथ बच्चे और युवा रंग गुलाल के साथ मस्ती कर रहे हैं। बिहार में भी रंगों का त्यौहार होली की धूम, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सांसद रामकृपाल यादव समेत तमाम सहयोगियों ने एक दूसरे के साथ गुलाल खेलते हुए होली खेली। बेगूसराय में जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह ने अपने आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया, होली गीत पर तिरक के नजर आए विधायक राजकुमार। पटना में होली पर्व को लेकर उत्साह का माहौल, बाजारों में मटन की खरीदारी के लिए लगी लंबी कतार, एग्जीबिशन रोड में उमड़ी लोगों की भीड़। पटना में होली को लेकर बच्चों में खासा उत्साह, छोटे छोटे बच्चे रंग और पिचकारी के साथ जमकर होली खेलते नजर आए, वहीं कुछ लोग अमेरिका से होली मनाने के लिए पटना आए। पटना की सड़कों पर युवाओं का होली हुड़दंग देखने को मिला, ऑटो के ऊपर बैठकर ढोल मंजीरे के साथ मस्ती करते दिखे लोग। पटना के जलालपुर कॉलोनी में दिखा होली का हुड़दंग, कीचड़ और रंग में सराबोर नजर आए लोग, कुर्ता फाड़ होली खेल रहे हैं युवा। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने की ई रिक्शा से सड़कों पर लोगों के साथ होली मनाई, एक दूसरे की होली की शुभकामनाएं भी दी गई। पटना सिटी में सिख श्रद्धालु ने होला मोहल्ला निकाला, जहां सिख श्रद्धालु ने पंच ब्यारे की अगुवाई में नगर कीर्तन भी निकाला। पटना में होली के दिखे अलग अलग रंग, रंग गुलाल के साथ लोग मस्ती करते हुए नजर आए, वहीं मंदिरों में गाया जा रहा है थाल। जहानाबाद में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रंगों का त्यौहार होली, लोग एक दूसरे को दे रहे होली की बधाई। बेतिया में हर्षोल्लास के साथ खेली जा रही है होली, बच्चों में होली को लेकर काफी उमंग, शांतिपूर्ण ढंग से जिले में खेली जा रही है होली। बेतिया में होली को लेकर युवाओं में काफी उत्साह, कुर्ता फाड़ होली खेलने के साथ डीजे पर जमकर डांस करते नजर आए लोग। रांची समेत पूरे झारखंड में भी छाया होली का खुमार, होली के गीतों पर झूमते नजर आए लोग, लोगों ने एक दूसरे को दी होली की बधाई। राजधानी रांची में होली का अलग ही रंग देखने को मिला, यहां रंग गुलाल के साथ ही लोगों ने गीत संगीत का भी जमकर लुत्फ उठाया। रांची में आज हर तरफ दिखा होली का रंग, सड़कों पर युवाओं की टोली ने निकलकर कुर्ता फाड़ होली खेली, वहीं बड़े बुजुर्गों ने मोहल्ले मोहल्ले घूमकर एक दूसरे को होली की बधाई। जमशेदपुर में लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है होली का रंग, कोरोना महामारी की वजह के बाद 2 सालों के बाद लोग होली के जश्न में डूबे हुए। जमशेदपुर में राजनीतिक नेताओं पर भी दिखा होली का रंग, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, रघुवर दास, विधायक सरयू राय समेत कई नेता होली के रंग में सराबोर दिखे। जमशेदपुर में होली के मौके पर मिठाई और गुंजिया की जमकर खरीदारी हुई, मिठाई की दुकानों पर कई तरह की गुंजिया को लोग पसंद करते हैं। खूंटी में जनजातीय समाज के लोगों की खास होली, इलाके में लोग पारंपरिक तरीके से मनाते हैं होली, घरों के बाहर या पूजा स्थल पर होती है विशेष पूजा। कोडरमा में रंगोत्सव का जश्न जारी, सुबह से ही लोग होली के मूड में नजर आए और एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की बधाई। लोहरदगा में ढेला मार होली मनाई गई, बड़े बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। जमशेदपुर में विशेष पदाधिकारी ने अपने परिवार के साथ मनाई होली, उन्होंने शहर के लोगों के साथ साथ अपनी सभी सफाई कर्मियों को होली की बधाई दी। रामगढ़ में मातंकी परियोजना के तहत तैयार की गई अगरबत्ती और गुलाल बिक्री के लिए रामगढ़ में लगाए गए स्टॉल्स, रजरप्पा मंदिर में चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र और फूलों से यह सामान तैयार किया। रांची के आईजी आवास में होली मना रहे पुलिसकर्मियों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, इससे यहां अफरा तफरी मच गई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। सरकार गठन से पहले गोरखपुर में सीएम योगी की भव्य होली, समर्थकों पर फूल बरसाकर योगी ने होली खेली। गोरखपुर में सीएम योगी की होली में उमड़ा जनसैलाब, योगी आदित्यनाथ ने गुलाल उड़ाकर होली मनाई। योगी के गढ़ गोरखपुर में भगवान नरसिंह की भव्य शोभा यात्रा, भगवान नरसिंह की आरती के बाद निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में सीएम योगी का भव्य स्वागत, पगड़ी और माला पहनाकर सीएम योगी का किया स्वागत।
होली के मौके पर हर साल निकाली जाती है भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा। मुख्य अतिथि के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शिरकत। शोभा यात्रा के दौरान सीएम योगी का विरोधियों पर निशाना, कहा जनता ने सुशासन के लिए वोट दिया। गोरखपुर की सभी 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। चुनाव बंपर जीत पर बोले सीएम योगी, यूपी की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया। यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। गोरखपुर की धरती में सपा पर योगी का करारा हमला, कहा यूपी की जनता ने राष्ट्रवाद और साथ ही साथ सुशासन को चुना। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ की दोबारा होगी ताजपोशी। शाम 4 बजे यूपी के सीएम पद की शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह होंगे शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी भेजा जाएगा नोटिस। योगी की शपथ ग्रहण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री भी होंगे शामिल। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी निमंत्रण। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी के साथ अन्य मंत्री भी लेंगे शपथ। कैबिनेट में महिलाओं और युवाओं की होगी अहम भागीदारी। सीएम योगी के शपथ ग्रहण में 200 से ज्यादा वीवीआईपी की लिस्ट तैयार। समारोह में विपक्षी नेताओं को भी भेजा गया निमंत्रण। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में समारोह की भव्य तैयारी। समारोह में 45,000 लोगों के शामिल होने की संभावना। पंजाब में भगवंत मान के 10 मंत्रियों ने ली शपथ। कैबिनेट में दलित, महिला और हिंदू समुदाय के विधायकों को भी शामिल किया गया। जल्द तय होगा उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम। 20 मार्च को होगी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। देहरादून बुलाए गए सभी बीजेपी विधायक। यूक्रेन का रूस को करारा जवाब। खार्किव में रूस की तोप को तबाह किया। 24वें दिन भी रूस यूक्रेन की जंग जारी। यूक्रेन पर रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से किया हमला। डैलियाटिन में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। बड़ी संख्या में यूक्रेनी सेना ने रखे थे हथियार। रूस के सैन्य ट्रक पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। RKG-1600 बम से रूस के ट्रक को किया तबाह। सैन्य हथियार जलकर हुए खाक। यूक्रेन के सुमी में रूसी सेना को उठाना पड़ा भारी नुकसान। रशियन टैंक और हथियारों को किया नष्ट। स्थानीय लोगों ने रूस की तबाही का वीडियो वायरल किया। यूक्रेन के खार्किव में स्थानीय TDF फोर्स ने रूसी सेना पर किया हमला। रूस के BMP-2 टैंक को तबाह किया। यूक्रेन के मीकोलाइव में रूसी ट्रक पर यूक्रेनी सैनिकों का हमला। रूसी हथियार और गोला बारूद नष्ट। रूस का यूक्रेन पर हवाई हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो किया जारी। यूक्रेन के सैन्य व्हीकल्स हमले में तबाह। मरियुपोल में रूसी सेना का बड़ा अभियान। यूक्रेनी सेना को ढूंढकर निकाल रहे रूसी सैनिक। इमारतों में यूक्रेनी सैनिकों की तलाश जारी। खंडर में तब्दील हुआ यूक्रेन का मरियुपोल। रिहायशी इलाकों में भारी तबाही। ड्रोन कैमरे से दिखी मरियुपोल में बर्बादी की तस्वीर। जैविक हथियार लैब के मुद्दे पर UNSC की बैठक में भिड़े रूस अमेरिका। रूस के लिए दिए सबूतों से अमेरिका का इनकार। वहीं भारत ने की दुश्मनी खत्म करने की अपील। ज़ेलेंस्की ने जारी किया वीडियो संदेश। रूस को दी धमकी, कहा युद्ध नहीं रुका तो रूस को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। बातचीत से हो नुकसान कम करने की कोशिश ये रूस कर सकता है। राष्ट्रपति बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। 1 घंटे 50 मिनट तक की बात। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा। बाइडेन से बातचीत पर बोले शी जिनपिंग, कहा युद्ध से किसी को नहीं है फायदा। बातचीत ही है एकमात्र रास्ता। यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन ने मॉस्को में की बड़ी रैली। रैली में शामिल लोगों से कहा रूस होगा और ताकत। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर। मारियोपोल से आज 4,972 लोगों को निकाला गया। अकेले सुमी इलाके से करीब 4,173 लोग निकाले गए। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान, रूसी हमले की वजह से यूक्रेन में करीब 65 लाख लोग हुए विस्थापित। 32 लाख से ज्यादा लोग दूसरे देशों में ले चुके हैं शरण। रूस यूक्रेन युद्ध की भावुक तस्वीरें आई सामने। बमबारी से बचने के लिए लोगों ने कीव मेट्रो स्टेशन में ली शरण। और इन्हीं खबरों के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।